आज मैं आपके साथ ब्रेड की एक नए नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कभी हम ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं, कभी ब्रेड कटलेट बनाते हैं, कभी ब्रेड रोल बनाते हैं। आज मैं आपके साथ ब्रेड गुजिया की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये गुजिया खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसका टेस्ट समोसे, पैटीज और ब्रेड रोल सबसे ज्यादा अच्छा आता है। ये रेसिपी आप एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, आप लोगों की लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं और मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर करते हैं। ब्रेड से एक बहुत ही टेस्टी और जबरदस्त और बहुत ही झटपट बनने वाला नाश्ता बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये नॉर्मल 6 व्हाइट ब्रेड है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से ब्रेड ले सकते हैं और आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड का यूज भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ये जो ब्रेडें ली हैं, इसके एजेस निकालने की हमें कोई जरूरत नहीं है, बस इसे इसी तरीके से तोड़कर हम मिक्सी के जार में डाल लेंगे। इसी समय हम इसके अंदर ये 2 टेबल स्पून सूजी डाल देंगे और साथ ही 4 टेबल स्पून मैदा डाल देंगे, और कचौड़ियों को थोड़ा सा खस्ता करने के लिए हम इसमें डालेंगे ये 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम बेकिंग पाउडर, और इसमें हमें बेकिंग पाउडर ही डालना है, सोडा नहीं। आप चाहे तो ब्रेड क्रम्स पहले बना सकते हैं और बाद में ये सब चीजें मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से हमारा टाइम बच जाएगा और थोड़ा सा इजी हो जाएगा। बस अब हम इन सबको एक साथ चला लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से मैंने चला लिया है और मैदा सूजी की वजह से ये काफी अच्छा सा तैयार हो गया है। अब मैं इसमें 4 टेबल स्पून दही डाल दूंगी, टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे, और नमक डालते हुए आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ब्रेड में भी नमक होता है। 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची डाल देंगे और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल देंगे 1 से 2 टेबल स्पून, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसके जिस तरीके से कचौड़ी का डो लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही डो लगाकर तैयार करना है। अगर जरूरत हो तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, क्योंकि अगर ब्रेड हार्ड होगा तो पानी की जरूरत पड़ेगी, वरना सिर्फ दही के साथ हमारा ये डो लगकर तैयार हो जाएगा। और डो हमारा अच्छे से लगकर तैयार हो गया है, बस अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट होने रख देंगे और इतने हम इसकी फिलिंग की तैयारी करेंगे। और स्टफ करने के लिए मैंने लिए हैं ये 3 मीडियम साइज के आलू, जिसे छीलकर मैंने कद्दूकस कर लिया है, और ये उबले हुए आलू है। इसी में हम ये थोड़े से हरे मटर डाल देंगे और ये भी हल्के से बॉयल हुए हुए हैं। 1 छोटे से साइज का प्याज, और जिसे एकदम छोटा छोटा काट लिया है, वो भी इसी में मिक्स कर देंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक, 1/2 टीस्पून मैंने ली है लाल मिर्ची, आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी सी कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी, और ये होममेड कसूरी मेथी है। 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे किचन किंग मसाला, अगर आपके पास किचन किंग मसाला नहीं है तो आप इसमें गरम मसाला डाल सकते हैं। 1 छोटे साइज की मिर्च, जिसे एकदम बारीक काट लिया है, और अगर आपको कम तीखा बनाना है तो आप मिर्च अवॉइड कर सकते हैं। साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, और इन सब चीजों को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डो को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं और इसमें हमने जो सूजी डाली थी वो अच्छे से फूल गई है। अब एक बार हम इसे अच्छे से मसल लेंगे, जिससे ये चिकना हो जाएगा, और मसाला भी हमारा तैयार है। और मैंने डो में से पूड़ी से थोड़े से छोटे इसमें से पेड़े तोड़ लिए हैं। एक फ्लैट सरफेस को हल्का सा चिकना कर लेंगे और उस पर पेड़ा रखेंगे, और सिर्फ हथेली के साथ हम उसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, और आप चाहें तो ये काम बेलन से भी कर सकते हैं, पर इसे बहुत ज्यादा पतला नहीं बेलना है, बस इसे हम थोड़ा मोटा ही रखेंगे। और ये आप देख सकते हैं मैंने इसको इस तरीके से बड़ा कर लिया है। और मसाला लेंगे, बीच में स्टफ करेंगे, और जिस तरीके से हम गुजिया फोल्ड करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम इसे फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से प्रेस कर देंगे, जिससे ये खुले नहीं। और इसी तरीके से मैं और तैयार कर लूंगी।
और आप चाहें तो इसे बेलन के साथ भी बना सकते हैं। एक पेड़ा लेंगे और बेलन के साथ हम इसे थोड़ा सा बड़ा बेल लेंगे, बस सिर्फ इतना। मोटाई हमें थोड़ी सी ज्यादा ही रखनी है, जैसे हम नॉर्मल पूड़ी या कचौड़ी की रखते हैं। और इसमें आलू की स्टफिंग रखेंगे और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम गुजिया की शेप बनाते हैं हम इसे बंद कर देंगे और बिल्कुल अच्छे से प्रेस करेंगे, जिससे ऑयल में जाने के बाद ये खुले नहीं। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अच्छे से स्टफ कर लिया है और प्रेस जरूर कर ले। और अगर एजेस फटे हुए हैं आप इस तरीके से उसे एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे वो स्मूथ हो जाएंगे। और इसी बीच मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया है और ऑयल भी हमारा गर्म हो गया है। एकदम मीडियम गर्म ऑयल में हमने ये जो गुजिया की शेप में नाश्ता बनाया है इसे डालेंगे। एक बारी में जितने आसानी से आ सके उतने डालने के बाद में कुछ सेकंड का समय देंगे और उसके बाद हम इन्हें टर्न करेंगे और उसके बाद एक बार हल्के से टर्न कर देंगे। इन्हें सेकने में ज्यादा देर नहीं लगती। मीडियम से लो फ्लेम पर मैंने इन्हें 2.5 से 3 मिनट तक सेक लिया है। अब फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा देंगे जिससे इनपे अच्छा कलर भी आ जाए। किसी भी पार्टी के लिए ये एक बहुत अच्छा एपेटाइजर है, या आप इसे सुबह भी बना सकते हैं, क्योंकि आलू वाला मसाला आप कभी भी बना के रख दीजिए, ब्रेड का डो लगा कर रख दीजिए और उसके बाद जब आपके रिश्तेदार आए या आपकी पार्टी का समय हो आप इन्हें बना सकते हैं। इन्हें सेकते हुए मुझे करीब 3 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये अच्छा इन पे कलर आ गया है, ये अच्छे से सिक गए हैं। अब हम इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस से हम सेकेंड बैच सेक लेंगे। मात्र 10 से 12 मिनट में ही हमारी ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। आप इसे हरे धनिये की चटनी टमाटर सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी है। ये रेसिपी आप एक बार जरूर ट्राई करें और फीडबैक में मुझे बताएं कि कैसी बनी। तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।